अस्सलाम वालेकुम माज़िज़ नाज़रीन। दुनिया की बड़ी सल्तनतों का जिक्र आए तो रोमी सल्तनत का नाम आपको पहली चंद सत्रों में लिखा मिलेगा। ताहम अगर मैं कहूं कि उनके उमरा अखलाती तौर पर इंतहाई पस्ती की जानिब पहुंच चुके थे तो शायद आप यकीन नहीं करेंगे, मगर दोस्तों नेपल्स खलीज के शुमाल मशरकी साहिल पर समंदर की तह में डूबा बाइया नामी कस्बा, जो उस दौर में अय्याशी के अड्डे की हैसियत पा चुका था, उनकी अखलाकी गिरावट का मुंह बोलता सबूत है। आज की वीडियो में हम उसी कस्बे का जिक्र करने जा रहे हैं, साथ रहिएगा। नाजरीन ग्रामी बाइया इटली की शहर नेपल से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर वाकई साहिली कस्बा था, जहां शोरा अपने तखय्युल और फौजी जर्नैल और उमरा अपनी ख्वाहिशात को हकीकत का रूप देते थे। रोमी फलसफी खतीब कानूनदान और मुदब्बिर कैज़र ने अपनी तकारीर यहीं लिखी, जबकि शायर वर्जिल और पितृत परस्त प्लिनी यहाँ के जवानी बख्श हमामों से कुछ ही फासले पर रहते। कवदीनो हजरात रोम के अमीर लोग हफ्ते के अख्तिताम पर ऐशो इशरत करने यहाँ आया करते। कई लोगों ने इस कस्बे के साहिल पर पुरतायुश बंगले बना रखे थे। इन महलनुमा घरों के मकीन यहाँ अपनी नफसानी ख्वाहिशों को तसव्वुर की आखिरी हद तक पूरा करते। एक रईस ने तो ऐसा राहत कदा बनवाया जिसमें जिनसी लज्जतों का इजहार करते संगे मरमर के मुजस्समे नस्ब थे। यही वजह है कि बाइया को रोमी सल्तनत का लास वेगस भी कहा जाता था। दोस्तों एक मुहक्किक जॉन स्माउथ के बकौल बाइया से लज्जत के अलावा साजिशों की कई दास्तानें भी वाबस्ता है। कयास है कि 44 कबल मसीह में रोम के बादशाह जूलियस सीजर के कत्ल के बाद क्लोपेट्रा एक कश्ती में यहीं से फरार हुई थी, जबकि जूलिया ऑग्रिपेना ने अपने शौहर क्लॉडियस के कत्ल का मंसूबा भी बाइया में बनाया था ताकि उनका बेटा नेरो रोम का बादशाह बन सके। तकरीबन 150 बरस कबल मसीह में बाइया के खुशगवार मौसम और बादनियात से भरपूर पानी ने रोम के दौलतमंद लोगों को अपनी जानिब खींचा। उस वक्त ये जगह फ्लैग्रिन फील्ड्स यानी शोला जार कहलाती थी, क्योंकि इसके अतराफ आतिशफशां से बनी चट्टानें हुआ करती थीं। कदीम यूनानी और रोमी इन चट्टानों को जेर जमीन दुनिया में दाखिले का रास्ता समझकर उनसे अकीदत रखते। इन्हीं चट्टानों को चूने में मिलाकर उन्होंने एक तरह का सीमेंट भी तैयार कर लिया था जिस पर पानी असर नहीं करता था, और जिसकी मदद से उन्होंने हवादार गुंबद, घरों की दीदा से पेशानियां, मछलियों के लिए तालाब और फरहत अंगेज हमाम बनाए, और ये मुकाम अय्याशी के अड्डे के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। नाजरीन सामईन इस कस्बे के जवाल का सबब इलाके में आतिशफशां थे, जिनकी वजह से ये सतह जमीन पे उभरता और धंसता रहा और रफ्ता रफ्ता पानी में डूब गया, जहां इसकी बाकियात अब भी देखी जा सकती है। सन 1940 में एक पायलट ने जेर समंदर मौजूद एक खंडर की फिजा से ली गई तस्वीर शाये की तो सयाहों में उसे देखने का शौक उजागर हुआ। फिर 20 साल बाद हुकाम ने जेर आब इस शहर के बारे में मजीद जानने के लिए यहाँ का सर्वे करवाया और यूं बाइया के बाकियात सामने आए। ताहम पानी के नीचे इस शहर को सन 2002 तक जेर समंदर महफूज आसार कदीमा का दर्जा नहीं दिया गया था। इसके बाद उसे अवाम के लिए खोल दिया गया। शहर की तहजीब और तारीख पर मजीद तहकीक के लिए जदीद आलात और तरीके इस्तेमाल में लाए गए। शहर के खदुखाल वाजे हुए और कदीम रोमियों की अय्याशी के सामान और तरीकों पर नई रोशनी डाली गई। ये बाकियात सतह समंदर से ज्यादा नीचे नहीं बल्कि बाज मुकामात पर तो 6 मीटर की गहराई पर है, और सयाह शीशे के पैंदे वाली कश्ती में सवार होकर उन्हें देख सकते हैं। इसे देखने के लिए गोताखोरी के इंतजाम भी किए गए हैं, मगर उसके लिए सयाह का बाहर और समंदर का पुरसुकून होना अहम शराइत है। तो नाजरीन कैसी लगी आज की वीडियो, अपनी आना के इजहार के लिए कमेंट सेक्शन का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, अगली वीडियो तक के लिए शेख वैस को दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।